हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग द अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑफ द वीडियो। स्टूडेंट, ये मेरा 10th वीडियो है। इससे पहले मैं 9 वीडियो ऑलरेडी पार्शियल डिफरेंशिएशन पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लेलिस्ट से विजिट करिए, आपको और भी अच्छे अच्छे एक्सरसाइज क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई टू द पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड इक्वल टू सी है, तो शो करो कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू है क्या है, माइनस एक्स लॉग ई एक्स टू द पावर माइनस वन। ठीक, और जहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, ठीक है ना, वेन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, मतलब ये कंडीशन दिया है। ठीक, तो जो दिया है उसको मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, अब एक बात आपको बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे पास ये रिलेशन है एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई जेड टू द पावर जेड, इसको डायरेक्टली ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जेड थोड़ी दिया है, जेड अभी निकला ही कहाँ, ये तो एक रिलेशन में दे दिया है, तो सबसे पहले जेड निकालेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग जब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो लॉग लेते हैं। तो देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। तो जब लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड इक्वल टू लॉग सी, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब आपको बता दें कि एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग का, कि लॉग ए इंटू बी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग बी के इक्वल होता है। ठीक, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल दिया हूँ। तो देखिए इस पर मैं अप्लाई करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जब अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे होगा प्लस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में प्लस, तो लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग वाई टू द पावर वाई अब प्लस लॉग जेड टू द पावर जेड इक्वल टू लॉग सी, ऐसे होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और एक स्टेप लिख लें। तो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो ये यहाँ पे बेस होता है ये मेन होता है, जो मेन का पावर है वो आगे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड इंटू यहाँ पे लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी, ये लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन वन जो है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, और जेड की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x we get। जब ऐसा करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा। एक बात और बता दें कि यहाँ पे जो z है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऊपर वाला होता है वो डिपेंडेंट होता है और x y इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर x में चेंज करेंगे तो y में चेंज नहीं होगा, लेकिन z को फर्क पड़ेगा क्योंकि z इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जेड डिपेंडेंट है। ये थ्योरी मैं वीडियो नंबर वन में बता चुका हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो फिर बता दे रहा हूँ। ठीक, तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल, तो एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं और लॉग एक्स का क्या वन बाई एक्स, फिर मैं प्लस ले लेता हूँ, तो यहाँ x को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में वन तो लिख नहीं रहे हैं, अब log x को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, प्रोडक्ट रूल से किए हैं। ठीक, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का सब फंक्शन है। अब बताया हूँ कि जब अभी बताया ना कि ये इंडिपेंडेंट है y, तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट की तरह होती है जीरो, तो वो भी नहीं लिख रहे हैं अब, लेकिन जेड डिपेंडेंट है तो इस पर असर पड़ेगा, ठीक है ना, चेंज होगा क्योंकि डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अब जेड का वही फिर से प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस जेड इंटू
वन बाई जेड जैसे ये कर रहे हैं, वन बाई जेड और फिर इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स एक एक्स्ट्रा, फिर प्लस और फिर लॉग और यहाँ पे जेड, फिर डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये कैसे हुआ आपको समझ आया? और दोनों साइड कर रहे थे, यहाँ पे लॉग जीरो हो जाएगा सी का, ठीक है ना, कांस्टेंट है। जैसे इसको भी हम प्रोडक्ट रूल से किए हैं, तो पहले जेड का जेड को एजिटिव छोड़े हैं, फिर लॉग जेड का किए हैं वन बाई जेड, तो इसके साथ ये डेल जेड ओवर डेल एक्स आया। फिर अब क्या किए, लॉग जेड को एजिटिव छोड़े हैं, फिर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में वन, फिर ये डेल जेड ओवर डेल एक्स इसके साथ आया है, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, ठीक। अब यहाँ एक्स से एक्स कैंसल, जेड से जेड कैंसल, अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन कॉमन, ठीक। तो ये वन प्लस लॉग एक्स इधर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, फिर प्लस यहाँ देखिए डेल जेड ओवर जेड एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको बाहर लेके और वन प्लस लॉग यहाँ पे जेड और फिर से डेल जेड ओवर डेल एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल टू जी। अब डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेल जेड ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी, मैं इसको उस साइड करूँगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिए और यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे वन प्लस लॉग जेड ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब सिमिलरली देखिए, अब हमें डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाले, अब इसी के पैटर्न पर डेल जेड ओवर डेल वाई सिमिलरली करके लिख लेंगे, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलरली डेल जेड ओवर डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो जाएगा सिंपली, तो माइनस वन प्लस लॉग वाई अपान वन प्लस लॉग जेड, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। अब डेल जेड ओवर डेल वाई आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल जेड ओवर डेल वाई निकाल लिए, अब इसी डेल जेड ओवर डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि डेल ओवर डेल जेड किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डेल ओवर डेल जेड ओवर डेल वाई, ठीक। तो यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई करेंगे, तो ये अंदर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस इसी को लिख रहे हैं, यहाँ पे वन प्लस लॉग वाई अपान वन प्लस लॉग जेड ऐसे लिखेंगे, ठीक, इतना आपको समझ आया होगा। अब आपको बता दें कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वन प्लस लॉग वाई ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, अब माइनस को भी बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं एक बार बता दूँ आपको, माइनस वन प्लस लॉग वाई और अंदर ये किसका डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डेल ओवर डेल एक्स करना है, हमारे पास वन अपान वन प्लस लॉग जेड का इसका करना है, ठीक, इतना समझ आया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे इक्वल टू लिखिए माइनस वन प्लस लॉग वाई, ठीक, ये ब्रैकेट में फिर ये ब्रैकेट, ठीक। अब देखिए वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, तो माइनस लगा दिए वन अपान, क्योंकि वन अपान एक्स टाइप का है, तो वन प्लस लॉग यहाँ पे जेड यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ठीक। ये अब इस वन प्लस लॉग जेड का करेंगे, तो वन का जेड एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और इस लॉग जेड का होगा वन बाई जेड होगा, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जेड है, ये कांस्टेंट है, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चेंज करेगा एक्स के बदलने पे, ये भी बदलेगा, ठीक, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डेल यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक, इतना समझ आया होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए अब क्या करिए कि यहाँ पे ये तो ऐसे ही चल रहा है, माइनस
यहाँ पे वन प्लस लॉग वाई और ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए कि जो डेल जेड ओवर डेल एक्स हम ऊपर लेके आए हैं, यहाँ पे डेल जेड ओवर डेल एक्स इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो माइनस पहले से है, ये जी कापी वन प्लस लॉग जेड यहाँ पे स्क्वायर, ये वन बाई जेड यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू में भी माइनस है वहाँ पे, ठीक। तो वन प्लस लॉग एक्स अपान वन प्लस लॉग जेड, कुछ नहीं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो उससे डरने की बात नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस दोनों प्रोडक्ट में तो प्लस हो जाएगा, ठीक, इतना समझ आ रहा होगा, ये बाहर माइनस ही रहेगा। और ये वन बाई जेड देखिए, ये इस पर पावर दो, इस पर पावर एक, तो वो पावर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आपको ये समझ आएगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वल टू माइनस वन प्लस लॉग वाई एज इट इज चल रहा है, और ये बताए हैं अभी कैसे कैसे हुआ है। अब ये देखिए ये वन बाई जेड, ठीक, इंटू वन प्लस लॉग एक्स अपान वन प्लस लॉग जेड पे पावर तीन, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक, इतना समझ आया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे नाउ पुट यही दिया है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ये दिया है, तो जहाँ यहाँ भी जेड कर एक्स करिए, यहाँ भी एक्स, तो यहाँ भी एक्स, ठीक है ना, सबके जगह एक्स करिए, यहाँ भी एक्स। तो ऐसा जब करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस लॉग यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक, फिर ये ब्रैकेट, फिर वन बाई एक्स इंटू वन प्लस लॉग ये एक्स तो है ही, और यहाँ पे वन प्लस लॉग और यहाँ पे एक्स, कहने का मतलब ये है कि वाई और जेड के प्लेस पे एक्स पुट किए हैं, ठीक, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस वन बाई एक्स को कर लीजिए बाहर, ठीक, और इसको कर लीजिए अंदर, इस वन बाई एक्स को बाहर और इसको अंदर, तो देखिए क्या मिलेगा, दो लाइन और बचा है, ध्यान से देखिए, इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, ठीक, फिर ब्रैकेट, फिर जब अब इसको अंदर करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स पे पावर टू, और नीचे वन प्लस लॉग क्या एक्स पे पावर, यहाँ पे तीन चल रहा है, छूट रहा था तीन, तो अब दो पावर से दो पावर कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स, और यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा, वन प्लस लॉग एक्स पे पावर कुछ नहीं एक, वन बाई एक्स को अंदर भेजिए, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट आंसर है वहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ पे वन बाई एक्स, ठीक, और इन टू, अब यहाँ पे क्या होगा, वन अपान ऐसे लिख सकते हैं ना, वन प्लस लॉग एक्स, ये ऐसे हो जाएगा इसके उसके आने से। अब दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपान लॉग ई टू द पावर ई, वन को लिख सकते हैं लॉग ई टू द पावर ई, क्योंकि उसकी वैल्यू वन होगी, अब फिर से लॉग ई टू द पावर एक्स ऐसे लिख दिए हैं, ठीक, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना, इतना आपको समझ आ रहा होगा, इतना आप लॉग जानते होंगे, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक लाइन और है, तो अब इसको लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज माइनस, फिर ये क्या लिख सकते हैं, ये वन बाई एक्स, और इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो लॉग ए इंटू बी में लिख दे रहे हैं, तो वन बाई लॉग ई एक्स लिख दिए, इतना समझ आया। अब इसको फाइनली हम लिख सकते हैं, माइनस तो है ही, इसको लिख सकते हैं एक्स लॉग ई एक्स टू द पावर माइनस वन, ठीक है ना, जो हमारा रिक्वायर्ड क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो स्टूडेंट ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, तो प्रूव करिए कि डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर फोर टाइम वन माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स
माइनस डेल यू बाई डेल वाई के इक्वल हो। तो मतलब एल एच एस को सॉल्व करें कुछ ना कुछ आएगा, आर एच एस को सॉल्व करिए वो भी कुछ ना कुछ देगा, अगर दोनों इक्वल है तो हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जो गिवन है उसको मैं लिख लिया हूँ और मैं उससे प्रोसीड करता हूँ। तो हमें एल एच एस में क्या चाहिए, डेल यू ओवर डेल एक्स, मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में भी चाहिए और वाई के रिस्पेक्ट में भी चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देयर फोर आप लिख लीजिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने के लिए डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे यू की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, यही है। ठीक, तो ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हमें कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए। ठीक ठीक है ना, तो उससे सॉल्व करेंगे u बाई वी वाले फार्मूले से। ठीक है ना, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो पहले क्या होता है वी का स्क्वायर होता है, तो वी क्या है एक्स प्लस वाई का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और वी यहाँ पर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक, फिर डी बाई एक एक स्टेप लिख रहे हैं, यहाँ पर डेल होगा डेल ओवर, क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं ना, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ क्या होगा यू, दैट इज़ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर अब यू ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वी, दैट इज़ क्या एक्स प्लस वाई। इतना आपको समझ आया होगा क्या किया गया है। ठीक है, अब आप क्या करिए थोड़ा सॉल्व करिए। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और इसका जब करेंगे तो यहाँ से 2x माइनस और इसका करेंगे तो क्या होगा x, इसका तो जीरो, इसका x का x के रिस्पेक्ट में 1 है और इसका तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब अपान नीचे क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना समझ आया। अब हम 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना समझ आया, आना भी चाहिए। अब क्या करिए कि आप थोड़ा सा टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी अब प्लस टू एक्स वाई बचेगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। ये डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू है। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम डेल यू ओवर डेल वाई लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई, बस जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दीजिए, जहाँ वाई है वहाँ एक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या है डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब आप क्या करिए इसके डिफरेंस का स्क्वायर निकालिए। तो दिस इम्प्लाइज देयर फोर डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई का पावर टू स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे है यहाँ पे पावर टू। ठीक, अब मैं एलसीएम लूँगा सिंपली, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, एलसीएम लूँगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक, और ऊपर का ऊपर मतलब ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ठीक। और इस पे पावर टू ठीक। अब इससे ये कट गया और यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और इस पे पावर टू। ये दो को यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो चार बन के आएगा ना, फोर बन के आएगा, फोर एक्स स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर ठीक है, इस पे स्क्वायर और एक्स प्लस वाई टू दी पावर फोर। इतना समझ आया, फोर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ठीक, अपान एक्स प्लस वाई टू दी पावर फोर ठीक। अब कट कर दीजिए, तो जब कट करेंगे इससे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ फिर से स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फोर तो है ही, यहाँ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ठीक है ना। ये हमारा एल एच एस से आया है, लेफ्ट हैंड साइड से आया है, फ्रॉम यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये एल एच एस से आया है। अब इसी तरह आर एच एस से आएगा, वो टाइम वन माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि फोर टाइम, फिर ये ब्रैकेट लगा लीजिए वन माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक। ऐसा करने से हमें थोड़ा फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि डेल यू ओवर डेल एक्स दिया है, डेल यू ओवर डेल वाई दिया है, डायरेक्ट यूज कर देंगे, यही फ़ायदा है। तो पहले मैं वो ही निकाल दे रहा हूँ, फिर वहाँ पुट कर दूँगा, सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, जो भी आप बोलिए पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, जो भी बोलिए ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे ठीक। डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आया था, डेल यू ओवर डेल एक्स आया था यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और नीचे क्या था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ठीक, माइनस यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर ठीक, और नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही था हमारा ठीक। अब हम सिंपली एलसीएम ले लेंगे और उसको कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी वही आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ठीक। तो जब ऊपर का करेंगे तो देखिए हमारे पास ये एक्स स्क्वायर से ऊपर का ऊपर ऐड हो जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट गया और इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कट गया, तो यहाँ से टू एक्स वाई और टू एक्स वाई फोर एक्स वाई डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फोर एक्स वाई ठीक। हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई ठीक। अब इसमें पुट करेंगे फोर, यहाँ पे क्या है वन माइनस यहाँ पे फोर एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ठीक। अब देखिए फिर अब एलसीएम लीजिए ठीक है, तो इसको ऐसे लेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस वाई का यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा माइनस फोर एक्स वाई, ऐसे आ जाएगा ठीक। अब इसको खोल दीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर तो बाहर ही है और ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और माइनस फोर एक्स वाई ठीक, और इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अब लिखेंगे कि फोर ठीक है, अब यहाँ से देखिए फोर एक्स वाई टू एक्स वाई तो माइनस टू एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिए ठीक। तो अब एक स्टेप और बचा है, एक लाइन, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, फोर टाइम ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का है
और नीचे क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आया है, आर एच एस आया है, ठीक है ना, आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो यही मेरा प्रूव होता है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।